हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम देखने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र 7। इसके अंदर बिल्कुल सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाणी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पूरे आपके पॉइंट बिंदु से लिया गया सिलेबस को पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ज्योग्राफी कल्चर हिस्ट्री सभी इसके अंदर सम्मिलित है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है, शानदार है। निम्न में से कौन सा युग्म है, निम्न में से कौन सा युग्म है जिसमें सभी आभूषण हाथ व बाजू से संबंधित हैं। मतलब आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है मेरे प्यारे दोस्तों जिसके अंदर सारा का सारे किसके आभूषण होने चाहिए, हाथ या बाजू से संबंधित होने चाहिए। ऐसा युग्म आपको यहाँ पे छांटना है। यहाँ पे आपको एक आभूषण याद होने से ही सोल्व नहीं होगा प्रश्न, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखो अब आप सोचो गोकुरु किसका है, गोकुरु हाथ का है सर, ठीक है। नौगरी किसका है, नौगरी भी हाथ का है, ठीक है। और ये बल्ले किसका है, ये भी हाथ का है। और अणत ये भी किसका है, हाथ का है। अब हम आगे बात करें, देखो फीणी मेमंद बोरला ये सब तो किससे है, सिर से संबंधित है, ठीक है। दामना ये अंगुली का है, रखन या चूप ये दांत का है, तो हाथ के तो आई नहीं रहे इसके अंदर। गोखरू हाथ का है, कहां का है, हाथ का है। पूछिया भी कहां का है, हाथ का है। नेवरी कहां का है, पांव का है। गजरा किसका है, ये भी हाथ का है। तो यहां पे जो ऑप्शन निकल के आता है ना, वो आता है ए ऑप्शन, जो सारे के सारे किसके हैं, हाथ और बाजू से संबंधित हैं। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। और बिल्कुल एनालाइज करिएगा कि पॉइंट बिंदु से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि आपका कितना क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई। और यहां पे जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको याद भी अच्छे से कर लीजिएगा। मारवाड़ की वीरता, साहित्य और सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है, सर्वोच्च सिरोपाव क्या था। मारवाड़ में वीरतर साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है, इसमें सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था। क्या पाल की सिरोपाव था क्या सर्वोच्च, बताना है आपको, या फिर हाथी सिरोपाव था बताओ, या फिर घोड़ा सिरोपाव था, या फिर कड़ा दुशाला था। तो यहां पे सही जवाब रहेगा हाथी सिरोपाव था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। अब क्वेश्चन संख्या 3 आपके जनजाति से संबंधित है और यहां पे बात करी गई है किसकी, शहर या जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है जो शहर या जनजाति से संबंधित नहीं है, यह बताना है प्यारे दोस्तों। देखो सहरिया परिवार की कुल देवी कोडिया देवी है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। सहरिया जाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है, सत्य बात है, ठीक है। सहरिया जनजाति के घरों को गोपना कोरवा या टोपा कहते हैं, बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका हर एक ऑप्शन भी क्या है, अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। मतलब एक अच्छे एग्जाम अच्छे टेस्ट के साथ साथ बिल्कुल आपका इसमें ख्याल भी रखा जा रहा है कि आपकी इसमें तैयारी बहुत ज्यादा हो जाए और आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखने को मिले, ठीक है। फिर देखो सहरिया जनजाति 12 उदयपुर बीकानेर में निवास करती है, 12 में तो करती है, किशनगंज शाहबाद तहसील में, पर उदयपुर बीकानेर में नहीं करती है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन है जो सही नहीं है सहरिया जनजाति से, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तुर्रा कलंगी का संबंध चित्तौड़ से है क्या, बिल्कुल। रम्मत का बीकानेर से है। अब मुझे आप ऑप्शन में बताओगे कि इसका सी आएगा या डी आएगा, केवल आपके लिए है यह प्रश्न, ठीक है ना, ताकि मुझे पता लगे कि आप में से एक्टिव कितने हैं इस वजह से, ठीक है। सी और डी में यह आंसर, तो आपको बताना है, एक प्रश्न आपके लिए होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा अवनद या ताल वाद्य नहीं है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो अवनद या ताल वाद्य नहीं है, यह बताना है आपको यहां से, ठीक है। जो क्या है, ताल वाद्य वगैरह नहीं है, इस प्रश्न के अंदर मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, ठीक है। वहां पे ऑप्शन क्या है, गलत दे रखे हैं, प्रश्न गलत दे रखा है इस वजह से। फिर चलो आगे बात करते हैं डोल नृत्य से, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें क्या है, काफी ऑप्शन गलत हो रहा है क्वेश्चन इस वजह से। डोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, डोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब डोल नृत्य कहां का है, जालौर का है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये, ठीक है। ये सांचलिया संप्रदाय के विवाह के
के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ये ध्यान रख लेना, नए पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ये साचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा नृत्य है जिसका संबंध साचलिया संप्रदाय से है, कौन सा है? डोल नृत्य है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री जय नारायण व्यास को है, बिल्कुल सही बात है। इस नृत्य का संबंध जालोर है ना, भीनमाल जालोर की तरफ से है, बिल्कुल सही बात है। इस नृत्य में 5 जाति के लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है, ये गलत बात है, 5 जाति के द्वारा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 4 जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। एक तो इसके अंदर डोली जाति होती है, एक माली होता है, माली जाति होती है, एक सरगड़ा जाति होती है और एक भील जाति होती है। इन 4 जातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो डी वाला यहां से सुमेलित नहीं है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो वाद्य यंत्र वाले प्रश्न की दिक्कत ना लें आप, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, वो निकला है जो है ना, क्योंकि उस प्रश्न में क्या हो रही है, गलती हो रही है। फिर देखो, निम्न में से कौन सा असंगत है ये बताना है, निम्न में से कौन सा असंगत है? डोला मारूरा दुहा किसकी है? कवि कलोल की है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। खुमान रासो दलपत विजय की है, दलपति विजय की, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राज रूपक बाकी दास की है क्या? रणमल छंद श्रीधर व्यास की है, यह भी सही बात है। रणमल किसकी है? श्रीधर व्यास की है, पर राज रूपक बाकी दास की नहीं, वीरभान की है। किनकी है बताओ? वीरभान की है राज रूपक। तो ये वाला यहां पे असंगत दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? तो जवाब देना है बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई यह बताना है। इसकी स्थापना 1955 में हुई है। कब हुई है? 1955 के समय राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? अब आपको पता है जसनाती संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है, ध्यान रखना किससे है, अग्नि नृत्य। पर यहां पूछा गया है कि जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या, अब आप 29 मत लगा देना फटाफट से, क्योंकि विष्णुई संप्रदाय की बात जब आती है तो 29 नियम वहां आते हैं, पर यहां पर जसनाती संप्रदाय का संबंध 36 नियमों से, इस चीज का ध्यान रखें। सीधा क्वेश्चन था, फिर भी क्यों दिया गया आपको? क्योंकि 29 और 36 में आप डिस्टर्ब हो सकते हो इस वजह से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ देखिएगा। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। देखो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? जाहर पीर के, और यही आंसर है यहां पर, ठीक है। गोगा जी के अंदर गो किससे लिया गया है? इनके गुरु गोरखनाथ से लिया गया है, किससे लिया गया है? गोरखनाथ से संबंधित है, और दूसरे गा का मतलब गाय है, क्या है? गाय, ठीक है। अब देखो बाबू जी की बात करें, ऊंट बीमार जाते हैं तो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, सबसे लोकप्रिय फड़ है। ददेवरा चूरू में किनका जन्म हुआ है? गोगा जी का। ददेवरा चूरू के अंदर किनका जन्म हुआ है बताओ? गोगा जी का हुआ है। और आपको पता है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है, क्या? गोगा नवमी, ठीक है। बाबा रामदेव जी का जन्म उडुकासमेर बाड़मेर में हुआ है, ठीक है ना। बेंगटी फलोदी जोधपुर से हड़बू जी का भी संबंध है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहां पर। फिर देखो क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ देखिएगा। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया था जो आगे चलकर कांवड़िया पंथ कहलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ सकता है कि कांवड़िया पंथ से कौन से लोक देवता संबंधित है, तो बाबा रामदेव जी हैं। कांवड़िया पंथ चलाया, इनके प्रसिद्ध अनुयायी हैं, है ना। ये जो कांवड़िया पंथ चलाया तो इनके प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन थे ये बताना है। क्या डालीबाई थी? बिल्कुल। दलियाबाई भी थी और हरजी राजपूत भी थे, इन तीनों का संबंध है, ध्यान रखना। उपरोक्त सभी इसके अंदर जवाब आएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? कौन सा सही विकल्प नहीं है यह देखना है आपको कि कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही जवाब है। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यह भी सही जवाब है। कजली तीज बूढ़ी तीज सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यह भी सही बात है। रक्षाबंधन, यही तो गलत बात है क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, और यह ध्यान रखना है आप सभी को, श्रावण पूर्णिमा से संबंधित है रक्षाबंधन का, तो डी वाला सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन संख्या 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन संख्या 13 क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, सीधा जरूर लगता है ये, पर एग्जाम में गलत करा देता है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न मेलों और उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहां यूं नहीं पूछा कि कौन सा कहां मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, मतलब कैलेंडर वर्ष के अनुसार आपको उनका तिथि क्रम बताना है। किसके अनुसार, कैलेंडर के क्रम के अनुसार उनका तिथि क्रम आप लोगों को बताना है कि कब कब मनाया जाता है। साथ में यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन +4 +4 8 याद कर सकते हो। मरु उत्सव का संबंध जैसलमेर से है, ध्यान रखें आप इस बात का, और ऊंट उत्सव का संबंध बीकानेर से है। ये दोनों डिस्टर्ब करते हैं एग्जाम में, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मरु उत्सव कब मनाया जाता है, ऊंट उत्सव कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है प्यारे दोस्तों जनवरी के समय पे, और ये मनाया जाता है जनवरी से लेकर फरवरी वाले समय पर, ठीक है। और हाथी उत्सव की बात करें तो ये मनाते हैं जयपुर में मार्च के महीने में, और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये मनाते हैं जून में। अब आप क्रम आसानी से जमा सकते हो, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आएगा ऊंट, ऊंट उत्सव मतलब सी वाला पहले आना चाहिए, ये रहा सी और ये रहा सी, ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, आप समझ में आए बात। फिर देखो अब जनवरी के बाद अगला कौन सा आएगा, जनवरी फरवरी वाला, मतलब ए वाला ऑप्शन होना चाहिए बाद में, ये रहा ए और ये रहा ए। फिर उसके बाद हम बात करें मार्च, बी आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, बी, तो देखो यहां नहीं आया बी और यहां आ गया बी, तो इसलिए वाला राइट है, इस चीज का ध्यान रखें, तो डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। चलो आगे बात करते हैं ना, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। फिर देखो आगे बयाना दुर्ग का संबंध कहां से है, भरतपुर से है सर, ये तो आता है हमें, पर जो पूछा जाए उसका ध्यान रखो। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ना, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, मतलब बयाना दुर्ग में सबसे पहले का विजय स्तंभ बना हुआ है, बहुत प्राचीन, ठीक है। तो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, वो सल्तनत काल या फिर मौर्य काल या फिर मुगल काल या फिर गुप्त काल, तो ध्यान रखिए गुप्त काल इसका सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 15 देखो, महाशैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। महाशैली का प्रचलन किससे संबंधित है बताओ भाई, गुर्जर प्रतिहार से, मिहिर भोज से, राज सिंह से या राजा भोज के से, ठीक है। तो ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहार के समय पर महाशैली का प्रचलन का हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 16 चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, ये जो महल है चीतर पैलेस के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट आया हुआ है। चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है बताओ, चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल या उम्मेद भवन पैलेस को चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि निम्न में से किस हवेली को मोती महल भी कहते हैं, किस हवेली को मोती महल भी कहते हैं ये बताना है। नथमल की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली भी कहां पर है, जैसलमेर में। पटवो की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। और मुझे बताओ बागोर की हवेली किस झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे, उदयपुर में, ठीक है। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ की तरफ है, पर यहां हमारा आंसर क्या आएगा, सालिम सिंह की हवेली है, जिसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ देखते हैं, किशनगढ़ शैली से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, किशनगढ़ शैली से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इस शैली मतलब किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फैयाज अली को है, बिल्कुल सही बात है, दोनों नाम याद कर लीजिएगा। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को है, सही बात है, ये सत्य बात है। राजा सावन सिंह का काल किशनगढ़ शैली के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी सत्य बात है। चारों पांचों क्वेश्चन बड़े खतरनाक है, किशनगढ़ शैली से बनने वाला क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक है। बनी ठनी राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो आगे, मोर ध्वज निहाल चंद, नागरीदास, लाडलीदास, तुलसीदास, नानक राम, सर ये सब तो किशनगढ़ शैली से ही है, तो फिर यहां पे आंसर क्या निकलेगा। देखो
मोर ध्वज निहाल चंद नागरीदास लाडलीदास तुलसीदास नानक राम इस शैली के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं, ये तो हैं, ध्यान रखना ये सब क्या हैं, इस शैली के चित्रकार हैं और यहाँ लिख दिया नहीं है, इसलिए ही तो ये यहाँ पर असंगत युग्म हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। इस छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे जहां से आते रहते हैं, पर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त समझना है अच्छे से। फिर देखो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं ये बताओ। मोलेला मरण मूर्ति से हैं, या थेवा कला से हैं, या दाबू प्रिंट से, या अजरक प्रिंट से हैं। अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है? बाड़मेर से है। दाबू प्रिंट का संबंध कहाँ से है? अकोला चित्तौड़गढ़ की तरफ से है। थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है। मलिर प्रिंट का संबंध कहाँ से है? बाड़मेर से है, ठीक है। मोलेला मरण मूर्ति कहाँ से संबंधित है? नाथद्वारा की तरफ से है। पर बताओ आंसर क्या आएगा, मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? मोलेला गांव नाथद्वारा राज संबंध है, मरण मूर्ति से संबंधित है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20, ठीक है। जब सामने आएगा पेपर में तो हर कोई नहीं कर पाता है इस क्वेश्चन को। देखो जूनी कचेरी राजस्थान, देखो जूनी कचेरी राजस्थान के किस किले में स्थित है? देखो कितना सर ऐसे जमे जोही तोड़ी पूछेगा, बिल्कुल जमे जोही नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी जूनी कचेरी, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कौन से किले के अंदर है ये, चलो बताओ क्या ऑप्शन बता रहे हो आप सभी, जल्दी से टाइप कीजिए, ठीक है। कुंभलगढ़ इसका बिल्कुल सही जवाब है, कुंभलगढ़ के अंदर है बादल महल। अब आपको याद आ जाएगा बादल महल के अंदर बनी हुई है जूनी कचेरी, क्या बनी हुई है? जूनी कचेरी। और इस जूनी कचेरी में जन्म हुआ है किसका? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था जूनी कचेरी में, और जूनी कचेरी है बादल महल में, और बादल महल है कटारगढ़ में, कटारगढ़ है कुंभलगढ़, और यह है सब राज संबंध में। तो इसका सही जवाब रहेगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 21 देखो, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 21B। देखो सुनना बात को अच्छे से, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे, है ना? सेना का जो नेतृत्व होता है आपको पता है हरावल चंद्रावल ये होता है, तो यहां पे चंद्रावल दस्ते में शामिल कौन कौन थे ये बताना है। दो होते हैं जैसे अग्रवाला भाग पिछला भाग होता है ना, हरावल और चंद्रावल इस तरह से होते हैं सेना, पर यहां बात जो पूछी गई है वो ये बताना है कि चंद्रावल दस्ते में कौन शामिल थे, महाराणा प्रताप की तरफ से चंद्रावल दस्ते में कौन शामिल थे ये बताना है। अब आपने नाम सुन रखा होगा हकीम का सूरी का, हकीम का सूर ये तो हरावल सेना के थे, है ना, हरावल सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने, तो हकीम का सूरी का तो मतलब चंद्रावल बताना है ना, तो हरावल का तो आपको पता लग गया है पहले से, ठीक है। तो चार जिसमें चार लिख रहा है ना, जिसमें चार लिख रहा है वो दोनों आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हरावल वाला है ना वो, तो फिर ये तो चंद्रावल वाला ढूंढना है आपको, तो जिसमें चार आ रहा है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद कृष्णदास चुड़ावत भी चंद्रावल दस्ते में शामिल नहीं थे, ध्यान रखना। तो छह जिसमें छह आ रहा है वो भी आंसर नहीं रहेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया हमारे सामने। देखो अब देखिएगा, गोपीनाथ भी थे, पुरोहित गोपीनाथ भी थे, जेमल मेहता भी थे, चारण जैसा भी थे, और राणा पुंजा भील सेनापति थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो शामिल है, 1 2 3 5 तो शामिल है, तो यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन और कैसे सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन को, ये भी दिखाया मैंने आपको। अब देखो आगे, अकबर के द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से, अकबर के द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा मानसिंह को, यह बताना है कि कहां कहां का सूबेदार नियुक्त किया था मानसिंह को अकबर ने। काबुल का किया था सर, सबको पता है, ठीक है ना, काबुल का भी सूबेदार बनाया था, बिहार का भी बनाया था, उड़ीसा का भी बनाया था, पर गुजरात का नहीं बनाया, ठीक है। तो चार की बात करें तो चार वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ध्यान रखें 1 2 3 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट राइट रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने,
क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त कब की बात है ये प्यारे दोस्तों, 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत करी थी। मतलब किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ क्या करी थी, बगावत करी थी। नसीराबाद, मेरठ, नीमच या एरिनपुरा, एरिनपुरा इसका सही जवाब रहेगा। जबकि राजस्थान में शुरुआत की बात करें तो कहां से हुई थी, सबसे पहले नसीराबाद से हुई थी, इस चीज का आपको ध्यान रखना 1857 की क्रांति का। एरिनपुरा इसका सही जवाब रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की, बताना है आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान की पहली यात्रा कब करी प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखना 1865 के समय करी थी, जून 1865 में, तो ये वाला विकल्प सही है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन देखो आप, यश वैभव की चाह नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, यश वैभव की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छा चार दमन ना रहे, आदर्श वाक्य क्या था, मतलब किसका था यह आदर्श वाक्य, किसका था, कौन सी पत्रिका का, कौन सा समाचार पत्र का यह आदर्श वाक्य था, बताओ। यश वैभव की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छा चार दमन न रहे, आदर्श वाक्य था, किसका था, राजस्थान केसरी का या तरुण राजस्थान का या नवजीवन का या फिर नवीन राजस्थान का, तो नवीन राजस्थान इसका सही जवाब है। चलो आगे बात करें, ये देखो मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, संस्था और संस्थापक को सुमेलित करना है यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या दे रखा है प्यारे दोस्तों, एक तरफ तो दे रखी है आपको संस्था और एक तरफ दे रखे हैं संस्थापक, और इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। अब सुनना अच्छे से क्वेश्चन को, बेहतरीन तरीके से सुनना। अब इनमें से देखो राजस्थान सेवा संघ और वीर भारत सभा तो आपको अच्छे से आ रही होगी, ये दोनों कंफ्यूज कर सकती है तो कर सकती है, बाकी वीर भारत सभा आपको आनी चाहिए, वीर भारत सभा सी पर है ना, तो केसरी सिंह भारत इसका जवाब रहेगा, ठीक है। तो मतलब यह हुआ, मतलब यह हुआ कि सी में क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, तो आप बताओ सी में दो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, सी दो इसमें आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, तो ठीक है। तो हम बात करें आगे की तरफ, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहां से क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, अब बचे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये पता लगाना है। राजस्थान सेवा संघ की विजय सिंह पतिक ने करी थी, रामनारायण चौधरी भी थे, हरिभाई किंकर भी थे, तो ए और ए के अंदर एक आना चाहिए, अब ए के अंदर एक आना चाहिए तो ए के अंदर एक इसमें है पर इसमें थोड़ी है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो गया, ध्यान रखना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये वाला बिल्कुल राइट है। अब सुनना, ए के अंदर तो फर्स्ट आएगा, आ गया, ठीक है, बी के अंदर फोर्थ आएगा भैया, बी के अंदर क्या आएगा, फोर्थ, ये वाला, तो मतलब देश हितेशनी सभा के संस्थापक कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह थे, और सर्व हितेशनी सभा के कौन थे बताओ, ये बताना है आपको, स्वामी गोपाल दास थे, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26 देखिएगा, प्रजामंडल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रजामंडल का क्वेश्चन है कि यहां पे कौन सा नेता प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ये बताना है। देखो जैसलमेर से संबंधित है मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बांसवाड़ा से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, ये भी सही बात है, ठीक है, और प्रतापगढ़ से रमेश चंद्र ओझा है क्या, करौली से त्रिलोक चंद माथुर हैं, ये भी सही बात है, करौली के त्रिलोक चंद माथुर हैं, ये भी सत्य बात है, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये भी सही बात है, जैसलमेर के मीठालाल व्यास, ये भी सही बात है, बीकानेर के वेद मेघा मग्घा राम है, मेघा राम है, ये भी सही बात है, हाड़ौती प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, पंडित नैनू राम जी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पर प्रतापगढ़ से रमेश चंद्र ओझा जी नहीं है, ये ध्यान रखे आप, है ना, क्योंकि यहां से कौन है, एक तो है अमृत लाल है ना, और एक है चुन्नी लाल, क्या है, अमृत लाल चुन्नी लाल, इनका संबंध प्रतापगढ़ से है, रमेश चंद्र ओझा जी का नहीं है यहां से। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बिजोल या किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। देखो यहां पे अब डायरेक्ट अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बिजोलिया किसान आंदोलन में जांच हुई थी पहली जांच और दूसरी जांच, तो द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, पहली जांच आयोग के सदस्य बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, ध्यान रखना, पर द्वितीय
जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, तो यही ऑप्शन यहां से हटेगा, क्योंकि रमाकांत मालवीय, मेहतना तख्त सिंह और राव बेदला ये सब तो द्वितीय जांच आयोग से संबंधित थे, पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग पहली जांच आयोग से संबंधित है, तो डी वाला अलग हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ। देखो दोस्तों, साफ बता देता हूं, ये क्लास चल रही है आपके बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल चीजें तो अब पता है कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जी जुड़े हुए हैं, ये हैं, पर बाकी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रयास करो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सोचो इन प्रश्नों के बारे में, ठीक है। देखो, निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम क्या है, मतलब इन घटनाओं के अनुक्रम को आपको जमाना है कि कौन सी घटना पहले आए, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, इस तरीके से, ठीक है। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है ना, तो ये तो 1913 के समय पर आई ना, 13 नवंबर 1917 के समय, ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। और एक है यहाँ पे डाबड़ा कांड, ये डाबड़ा कांड आई भाई 1947 के समय पर, ठीक है। चंडावल कांड आई ये 1942 के समय पर, तो 1947 वाला ही सबसे लास्ट है। नींबू चाणा कांड आया 1925 में, कब आया 1925 में, तो यहाँ बात मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड इनमें सबसे पहले है, तो चौथा वाला तो सबसे आगे आना ही चाहिए, तो चौथा वाला सबसे पहले आ गया। देखो वहां से भी आंसर डायरेक्ट राइट हो रहा था, क्योंकि और किसी में नहीं आ रहा था यार, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पे क्या है, नींबू चाणा 1925, बिल्कुल सही बात है। तीसरे पे देखेंगे हम तो चंडावल 1942 सही है, और 1947 में डाबड़ाई वाला सही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य बात है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था। देखो, अजमेर मेरवाड़ा का अलग से एक मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे, हरिविलास सारदा, बालकृष्ण कोल, हरिभाव उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री, जल्दी जवाब दे भाई, ठीक है। तो हरिभाव उपाध्याय थे, क्या कौन थे, हरिभाव उपाध्याय, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब यहां से स्टार्ट हो गए किसके क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है यहां से, इसके पहले हमने कल्चर और इतिहास के सवाल करे हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है प्यारे दोस्तों, उदयपुर है। कौन सा है प्यारे दोस्तों बताओ, उदयपुर है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 32 को समझो अच्छे से। देखो, गंग नहर, आप पूरी गिलासे ले लीजिए, मतलब ब्रह्मस्त्र वन से लेकर जो लगातार चल रहे हैं, क्योंकि ये 6-7 ही हुई है अभी, तो क्लास 7वीं चल रही है, पर 7 के अंदर बहुत कुछ है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो बिल्कुल आपके पॉइंट दे रखे हैं ना सिलेबस के वही हैं। गंग नहर के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, गंग नहर के बारे में आपको विकल्प ढूंढना है जो यहां से सही नहीं है, मतलब उससे सुमेलित नहीं खाता है, गंग नहर से संबंधित बात नहीं है वो, ऐसी ढूंढनी है आपको यहां। देखो, ये राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है, मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है, जवाब देना है गंग नहर है, ठीक है। इसका निर्माण 1922 से लेकर 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है, ये भी सही बात है ना। और ये महाराजा गंगा सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 1922 से लेकर 27 में इस गंग नहर का निर्माण करवाया गया, सत्य बात है, ठीक है। फिर देखो, और जो गंग नहर जो पानी आ रहा है इसमें कहाँ का आ रहा है, सतलज नदी का आ रहा है, सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकाल कर किया गया है इसका निर्माण, ठीक है। इसका संबंध सतलज नदी से है, ये बात भी सत्य है, सिर्फ बात कौन सी झूठी है यहाँ पर। देखो, ये नवीनतम नहरों में से एक है। अब देखो, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना हुई, तो प्रथम तो बहुत पुरानी हुई ना, फिर नवीन कैसे हो सकती है, तो ये वाला ही डिलीट हो जाएगा यहां से, क्योंकि नवीनतम नहरों में से एक नहीं, ये ध्यान रखना, नवीनतम नहीं, ये प्राचीन नहरों में से है, किसमें से है, प्राचीन में से है, तो ये वाला डी वाला असंगत है। चलो क्वेश्चन संख्या 33 की तरफ देखिएगा, भीकाभाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है, भीकाभाई सागवाड़ा नहर का राजस्थान से लाभान्वित जिला कौन सा है, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, फवारा सिंचाई परियोजना है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, बाड़मेर जालोर जिले दोनों लाभान्वित है, जालोर के सिलू गांव से प्रवेश करती है नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है फवारा सिंचाई परियोजना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना एक तो ये, ठीक है। उसके बाद याद रखना है सोम कमला अंबा परियोजना, कौन सी है, सोम कमला अंबा परियोजना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सोम माही जाखम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, भीकाभाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है डूंगरपुर, माही नदी से संबंधित है ये नहर, किससे है, माही नदी से। फिर देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है जलवायु से, किससे संबंधित है, जलवायु से संबंधित है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन को मैं इधर समझा देता हूं आपको, देखो
राजस्थान के उक्त मानचित्रों में कोपेन के जलवायु प्रदेश 1, 2, 3 और 4 में अंकित किया गया है, मतलब यहां पे अंकित किया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अंकित किया गया है जलवायु को। तो दी गई क्रमावली का इनका सही क्रम पहचानना है आपको। ये ऑप्शन दे रखे हैं, सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट, क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट में कौन सी जलवायु है। यहाँ पे दे रखा है प्यारे दोस्तों सेकंड, मैं बता देता हूँ आपको ये क्या है सेकंड, और यहाँ दे रखा है थर्ड, क्या दे रखा है थर्ड दे रखा है, ध्यान रखना, और यहाँ दे रखा है फोर्थ, ठीक है। ये चारों देखिएगा, ये है फर्स्ट, मतलब ये है एक, ये है दो, ये है तीन और ये है चार। अब आपको बताना है, अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये फर्स्ट वाला है ना कोपेन की जलवायु के हिसाब से, ये है प्यारे दोस्तों कौन सा वाला है, ये है बी डब्लू, बी डब्लू और एच डब्लू, इस डब्लू का ध्यान रखना, तो फर्स्ट तो डब्लू के साथ मैच खाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन यही आ रहा है बी डब्लू एच डब्लू, और ये वाला जो है सेकंड वाला वो है बी एस एच डब्लू, कौन सा है एस वाला है, तो सेकंड नंबर पे बी एस एच डब्लू आना चाहिए। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आना चाहिए सी डब्लू जी, ये वाला सी डब्लू जी आना चाहिए, और फोर्थ के अंदर आना चाहिए इस वाले में ए डब्लू। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये कोपेन की जलवायु से संबंधित है, जो कि आपको बेहद तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प है, निम्न में से कौन सा विकल्प है, और क्लास को शेयर भी किया करो, देखो कितने दमदार क्वेश्चन है, यूं ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों ये टाइम पास की भाई आपको आए यूट्यूब पे क्वेश्चन करवा दिए, इनमें वाकई काफी दम है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि बहुत ही मेहनत से तैयार करवाए जाते हैं ये, हो सकता है आपको आ जाएंगे आसानी से, क्यों नहीं आएंगे, आप पढ़ने वाले हो सबको आएंगे वो, पर ऐसा नहीं है कि पेपर के दृष्टिकोण के हिसाब से ही काम किया जाता है, इसलिए क्लास को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें और लाइक भी जरूर करें अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। इस क्लास को यहां तक अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मोस्ट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। कौन सा विकल्प है जो राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान से संबंधित नहीं है, ये बताना है। अब बताओ केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ये प्यारे दोस्तों अबीका नगर टोंक में है, मालपुरा अबीका नगर टोंक के अंदर है, तो पहला ऑप्शन तो सत्य है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, याद कर लेना, आपको याद कराने के लिए ही लिया गया है क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, ध्यान रखना, कब की गई थी 1962 में। इसकी स्थापना किसने करी थी, ये आ सकती है बात, और आप इसको संगत बता सकते हो, तो ये ध्यान रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय भेड़, राजस्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी, तो यह बात भी यहां पर सत्य है, ठीक है। क्या यहां पर उपरोक्त सभी सही है क्या, हाँ सर यहां पर उपरोक्त सभी क्या है सही है, ठीक है, पर यहां क्या लिख रहा है, उपरोक्त सभी गलत है, झूठ बोल रहा है ना ये बात, उपरोक्त सभी गलत है, ये झूठ बोली गई है बात, तो ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, संबंधित नहीं है, तो ये बात संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 36 की तरफ। देखो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, 10 खंड है कृषि जलवायु हमारे राजस्थान में, उसमें सबसे बड़ा तो कौन सा है प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा है फर्स्ट सी, और उसका नाम क्या है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, क्या है प्यारे दोस्तों, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, किसका नाम, सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश का नाम, और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है फोर्थ बी, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 37 की तरफ। देखो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, अब तो सही बताना है भाई, ठीक है ना, निम्न में से मोस्ट क्वेश्चन है वही वाला, ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? राजस्थान जमींदारी और बिस्तेवारी, है ना, याद रखना, चाहे याद हो ना हो पर जरूर जरूर कोशिश करना। राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में पारित किया गया। सही बात है, यह अधिनियम याद कर लेना एक तो, ठीक है ना। जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम कब किया गया? 1959 में पारित किया गया था। देखो राजस्थान सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम, देखो ये अलग है, ये अलग है, राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम और इधर अलग है। जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन तो 1959 में आया, और जागीर उन्मूलन अधिनियम कब आया? 1952 में पारित किया गया। कब किया गया? 1952 में, ठीक है। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद देखो विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है, तो ये वाला कथन सही है, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 38 की तरफ आते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा की तरफ होता है क्या अमेरिकन कपास का उत्पादन। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 39। देखो क्लास को शेयर और जरूर करा करो बहुत जोरदार तरीके से आप। फिर देखो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? राजस्थान के दो स्थान है जो रामसर साइट में शामिल है, सांभर झील है और एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको बताना है, ठीक है। मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, रणथंभौर मरू राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में है, साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में शामिल है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के अंदर जहां पे एंटीसोल की मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्यारे दोस्तों एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखें। पश्चिमी राजस्थान है जहां पर एंटीसोल्स पाई जाती है, और हमारे हाड़ोती वाले क्षेत्र में कौन सी मिलती है? वर्टिसोल्स मिलती है। कौन सी मिलती है? वर्टिसोल, जो क्या होती है? काली मृदा होती है, एक तरह से क्या होती है? काली मृदा। और अरावली के क्षेत्रों में प्यारे दोस्तों जो लाल मृदा होती है अरावली के क्षेत्रों में, ठीक है, वो होती है इनसेप्टिसोल्स। क्या होती है? इनसेप्टिसोल्स होती है। और जलोढ़, पूर्वी भाग में जो जलोढ़ वाली मृदा है वो है एल्फीसोल्स। कौन सी है? एल्फीसोल्स है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।